चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं विकास भाई से गेहूं की कटाई कैसे चल रही है। भाई अमनत है, लामणी करी है ना यार इस बार। क्यों क्यों क्या मतलब यार, ये चुनावी साल चल रहा है तो भाई जितने भी अपने नेता से सारे खेता का निजोटे मान लाग रहे भाई, हाथा में दरा चीठा ठा गए। अरे भाई अपने खेता में लामणिया में लाग रहे हैं तो भाई मारी भी लामणी नू मतलब नेता ने काट दी से। अच्छा क्या बात। ओ अच्छा याद आया विकास भाई, आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता की, जो कुछ दिन पहले लोगों के खेतों में पहुंचे और वहां पर उन्होंने गेहूं की कटाई की और लगेगी झाड़ू पे झाड़ू पे झाड़ू पे। सुशील गुप्ता को उनकी हार दीवार के ऊपर लिखे हुए बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों की तरह दिखाई दे रही है। छूटा था तो घर वाले सानी काटते करते बरूटा सिर पे हम अकेला आ करते घड़ा सा मारा है घर में लगा हुआ था शुरू से हाथ से कटाई की आदत। भाई 5 साल तक वो गांव में जाके ना देखता नेता, अरे चुनाव आंदे सारे कस्सी कुल्हाड़ी दराती लेगा चल पड़े से। वही हरियाणा में हुई ओलावृष्टि को देखते हुए हरियाणा के सीएम नायर सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उस वो खोल दिए गए हैं और साथ ही साथ जो बीजेपी सरकार वो पहले भी किसानों के साथ खड़ी थी और अब भी उनके साथ खड़ी है। सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी थी और अब भी किसानों के साथ खड़ी है। नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूँ, आपने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, आप भी मनोहर लाल के नक्शे कदम पे चल पड़े जो किसानों को वो परेशान करते थे, आप भी उस परेशानी का सबब बने, किसान को परेशान करना बंद करें, परमात्मा भी आपको माफ करे। अरे कमाल की बात नहीं होगी, जो आदमी बेचारा हेलीकॉप्टर में घूमता था, जो आदमी हवाई जहाज में घूमता था, जो विदेशों में 1 महीने में 20 दिन रहता है, इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको पल्लेदार बना दिया, चाहे नहीं बेच रहा गेहूं भी काट रहा था। मैं मारा तो घर में गंडासा लगा हुआ था, बरोटे काट के लाया करते सारी काटा करते अपनी। भाई किसान सारियान दोरी मार सब है यार, है पहला कुदरत की मार और फिर मुआवजे की बाट देखने की मार। वही हरिम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में किसानों को 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, इनके समय के अंदर 2 रुपए का चेक 5 रुपए का चेक किसान के साथ बद्दा मजाक करने का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया है। वो नाटक कर रहे हैं, किसान हितेशियों का दिखा रहे हैं। किसान को जितनी सुविधाएं हमारी सरकार में देंगे, मैं समझता हूँ आज से पहले कभी किसी सरकार में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई। हर व्यक्ति की आंख में एक दर्द है जो बीजेपी ने दिया। ले भाई सीएम नायब सिंह सैनी साहब तो साइंगी अड़े ताऊ ने आईना दिखाने का काम करने लग रहे हैं। अक मारी छोड़ो पहले अपनी देखो, अपने टाइम में खेगुल खिला रहे थे।